उस आदमी एक नहीं देखा उत्तर प्रदेश में, वो गांधी को गोली मार रही है और गोडसे को सेलिब्रेट कर रही है। तो गोडसे के विचारधारा वाले लोग ये समझते हैं कि हमने इस देश पे कब्जा कर लिया हुकूमत। वैसे लोग हुकूमत में हैं जिन्होंने भारत को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसलिए उनको लगता है कब्जा कर लिए, तबाह कर दो, तहस नहस कर दो, सबको दबा दो। टारगेट पे मुसलमान हैं, उनको तो लगता है 100 साल के मुसलमान को इस पे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आज़ादी में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो सब एक ही सूत्र जो इन्होंने बीज रोपा है, चाहे नूह हो, चाहे बॉम्बे का ट्रेन हो, चाहे मणिपुर चल रहा है, चाहे पुलवामा, वो सब एक ही डिज़ाइन का पार्ट है। डिज़ाइन को समझिए। लेकिन आज तक 10 साल में एक ऐसा कोई कमीशन नहीं बैठाया जिससे पिछड़ों का भला हो। तो अब इस देश के पिछड़ों का जो उनके समर्थक हैं, आँख खुल जाना चाहिए, आँख खुल जाना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा राइट विंग पॉलिटिक्स का जहाँ जहाँ इमर्जेंस हो रहा है, जब से हुआ है तब से देख लीजिए आप, गुजरात ही देख लीजिए, उसके बाद मणिपुर देख ही रहे हैं। यहाँ पे कौन मनेसर है, मोनू मनेसर, दो लड़कों को जलाया था, वो पुलिस को मिल नहीं रहा है और नहीं मिल रहा है, और लेकिन वो फेसबुक पे आके लाइव कर रहा है। तो क्या प्लानिंग है और क्या चल रहा है ये सबके सामने है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि इनकी नियति ही है कि जैसे जैसे जहाँ चुनाव आएगा हर स्टेट में बॉर्डर बन जाएगा। मणिपुर में 2 बॉर्डर बन चुका है, मैतेई और कुकी के बीच में बॉर्डर बन चुका है। तो जिस बुनियाद पर बंच ऑफ थॉट पढ़िए कि इनके लिए कौन शत्रु है, मुसलमान माइनॉरिटी और क्रिश्चियंस, और दलित को तो कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग जो घटना कह रहे हैं कि अभी आज चर्चा चल रही थी पुलवामा पे, अरे जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, उन्होंने कहा कि भाई मेरे दलित भाइयों को मत मारो, तब से दलित पे पिटाई बढ़ गई है। वो जो बोले उसका उल्टा समझिए। संसद के सामने माथा झुकाए थे, नया संसद बनवा दिया। अडवाणी जी को माथा झुकाए थे, अडवाणी जी को डाल दिया उधर मार्गदर्शक मंडल में। तो पुलवामा हमारे साथ, तो हमारे ज़िंदगियों पर, ख़ास तौर से जो दलित आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगियों पर तो रोज़ पुलवामा हो रहा है, रोज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं उठा के देखिए, कहीं ना कहीं हिंसा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, रेप हो रहा है। अभी सीधिया कांड आप लोगों के सामने है, बच्चे आईआईटी में सुसाइड कर रहे हैं। कोई एक्शन देखा है रोहित बुमला से लेके आज तक? कोई एक्शन है इस सरकार में? सबका साथ सबका विकास, पिछले 5 साल में 25,000 SC ST OBC के बच्चे आईआईटी यूनिवर्सिटी सब छोड़ चुके हैं, मेडिकल सब छोड़ चुके हैं, स्कॉलरशिप गायब है। और स्कॉलरशिप के वो कंडीशन लगा दिए हैं कि जो क्लास 4 इम्प्लाइज भी हैं उसके बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। जो मुंबई और जयपुर ट्रेन में जो अभी हादसा हुआ, वो सब वही कह बोले ना, इसको अलग अलग मत देखिए आप। वो सब एक ही सूत्र जो इन्होंने बीज रोपा है, चाहे नूह हो, चाहे बॉम्बे का ट्रेन हो, चाहे मणिपुर चल रहा है, चाहे पुलवामा, वो सब एक ही डिज़ाइन का पार्ट है। डिज़ाइन को समझिए। मैंने आपको क्या कहा कि इनका जो पूरा फिलॉसफी है, 100 साल लगे हैं, इनको भारतीय संविधान में, इंडियन रिपब्लिक में विश्वास ही नहीं है। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है कि जनादेश लेकर आया हुआ सरकार तानाशाही के साथ वो काम करे? इनको रिपब्लिक पे, इंडियन रिपब्लिक ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी शासक है और इंडियन रिपब्लिक पे इसने कब्जा कर लिया है। जितने जो जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्या सब प्रॉपर काम कर रहा है? आप आइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हर कॉलेज एक जेल बन चुका है। पहले हम लोग कैंपस में फ्रीली घूमते थे, यहाँ से वहाँ कहीं जा सकते थे, आज एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप नहीं जा सकते हैं। तो इनको लगता है कि एकदम कब्जा कर लिया है, इंडियन रिपब्लिक पे धावा बोल दिया है। साधु लोग कैसे धर्म संसद कर रहा है, वो कह रहा है गांधी के हत्यारों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली इनको गांधी को मारने वाले कौन सी विचारधारा थी ये समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 में आज़ादी मिली है, इसका क्या मतलब है? नेहरू और अंबेडकर से या इंदिरा गांधी से, नाम से इनको प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है कि जो भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाई है, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक, बगल में जाके देखिए इंडिया, क्या इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, सारे यहाँ देखिए इस एरिया में सारे बिल्डिंग जो कॉलोनियल हेरिटेज बिल्डिंग है सारे ध्वस्त कर दिए गए। और जो नया पार्लियामेंट में वो सिंगल लेके आए थे, तो
तो खुली घोषणा हो गई है कि भाई हम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं, राजतंत्र में। पूरा ड्रामा देखिए, जैसे मंत्रोच्चार यज्ञ हो रहा है। ये घोषणा हुई है आधिकारिक तौर पर कि अमृत काल है, तो जब अमृत काल में जब मंथन हुआ था तो अमृत किसके हिस्से में गया था और विष किसके हिस्से में गया था, ये समझिए पहले। तो इस देश के जितने यहाँ के जो जो दलित शूद्र अति शूद्र जितने समुदाय हैं उसके उसको विष मिल रहा है सीधा। जो मणिपुर में हुआ दलितों आदिवासियों के ऊपर, उसके बाद क्या मुसलमान टारगेट होगा क्या 24? मुसलमान इनके तो परमानेंट टारगेट पे है ना, आप समझिए। राइट विंग पॉलिटिक्स का इमरजेंसी आरएसएस हिंदू महासभा के टारगेट पे मुसलमान है। उनको तो लगता है 100 साल के मुसलमान को इसमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। आज़ादी में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी। और जो मुसलमान यहाँ रहे सुरक्षा से रहे, उन्होंने अपनी धरती माना, भारत के हिंदुओं को उन्होंने अपना नेता माना। कुछ नेता अभी इधर उधर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जितने नेता हुए भारत के मुसलमानों को हिंदू हुए, तो इससे सेकुलर कम्युनिटी क्या होगा? उसको हर समय थ्रेट परसेप्शन रखे, पहले मुस्लिम को मारेगा, दूसरा टारगेट दलित का जो हाल किया हुआ तो दिख ही रहे हैं। लेकिन जो बड़ा समर्थक है, जो मेन वोटर है, वो तो दलित ही है। ये आपके पास आंकड़ा है? नहीं आंकड़ा है, देखिए मिथ नहीं फैलाइए। ये जाहिर है कि पिछड़ी जातियों या कुछ उसको कोर वोटर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस जो कर रहा है बीजेपी, वो कौन कर रहा है अभी तो बताइए। दलित समाज से ही रेसिस्टेंस आ रहा है ना सबसे ज़्यादा। पिछड़ी जातियों में कुछ जातियाँ उनके साथ हैं क्योंकि मोदी जी पिछड़ा है, लेकिन आज तक 10 साल में एक ऐसा कोई कमीशन नहीं बैठाया जिससे पिछड़ों का भला हो। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो अब इस देश के पिछड़ों का जो उनके समर्थक हैं, आँख खुल जाना चाहिए, आँख खुल जाना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तथाकथित तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, कुछ और राष्ट्र है। बाबा साहब ने कहा था पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो हमारे शत्रु हैं। तो हिंदू राष्ट्र के हिंदू तो 19वीं सेंचुरी का वर्ड है। ये ब्रह्म राष्ट्र बनेगा, ये पूरा जनऊ लीला वाला राष्ट्र बनेगा। पिछड़ा को उसमें क्या हक है बताइए तो जरा मुझे। अभी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, उसमें पिछड़ों को प्रधानमंत्री ने कौन सा कमीशन बैठा के एक राइट दे दिया? तो एक तरह से समझिए ये पूरा संविधान और मनुस्मृति के बीच का एक धर्म युद्ध है। इस देश के तमाम लोगों को, पिछड़ों को खास तौर से मैं कह रहा हूँ, ये समझना पड़ेगा कि आप जो है पक्ष में संविधान के खड़े हो जाइए। और जात जात बोलने हो जात जात के चक्कर में मत जाइए, सबसे ज्यादा हकमारी आप ही के होने वाली है। ट्रेन हादसा पर जो मतलब कि पूरा गन शूटिंग हुआ उस पर लोग कुछ सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हीरो की तरह उसके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब गोडसे को हीरो यहाँ बना रहा है, वो साध्वी एक नहीं देखा उत्तर प्रदेश में, वो गांधी को गोली मार रही है और गोडसे को सेलिब्रेट कर रही है। तो गोडसे के विचारधारा वाले लोग ये समझते हैं कि हमने इस देश पर कब्जा कर लिया हुकूमत। नहीं तो कोई ऐसा शासक समूह होगा कि जो अपने ही देश को इस तरह से तबाह कर रहा हो। हजारों लाखों जो है करोड़ रुपया लेके पूंजीपति से भाग गया। ये ऑक्सफैम का डेटा आ रहा है, कई विदेशी एजेंसी लिख रहे हैं कि ये मीडिया इंडेक्स में सबसे नीचे जा चुका है, भुखमरी की हालत खराब है, कमनन वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी अभी मणिपुर के मामले में अमेरिकन एम्बेसडर ने बोला है ना कलकत्ता में, यूरोपियन पार्लियामेंट में तो इस पर बहस हो रही, लेकिन भारत में बहस नहीं हो रही। तो ये समझिए कि ये सिविलाइजेशनल क्लैश है। ये वैसे लोग हुकूमत में हैं जिन्होंने भारत को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसलिए उनको लगता है कब्जा कर लिए, तबाह कर दो, तहस नहस कर दो, सबको दबा दो। एक बार बताइए ना, जाट तो उनको वोट देते रहे हैं हिंदू बन के, अभी पहलवान महिलाएं जब जंतर मंतर थी तो उस समय वो जाट हो गई, पहले तो हिंदू थे।